नहीं है डू यू नो वाई तुम्हें पता है कि भाई डायनासोर्स अब क्यों नहीं है सम साइंटिस्ट बिलीव करते हैं दैट दिस सडन चेंज इन दी अर्थ क्लाइमेट अब डायनासोर्स इसलिए अर्थ पर नहीं है कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं क्योंकि अर्थ का क्लाइमेट अचानक से बहुत ज़्यादा बदला था दे बिलीव उनका विश्वास है नेट इट बिकेम वेरी कोल्ड अर्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी एंड डाइनासोर्स को नॉट एडजस्ट टू दी कोल्ड कंडीशंस और डाइनासोर्स इतनी ठंडी कंडीशंस के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाए और मर गए इन द नेचुरल वर्ड अगर हम बात करें अब प्लांट है या फिर एनिमल है ये अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं आदि बना लेते हैं और चेंज कर लेते हैं अपने आप को टू सूट द सराउंडिंग अपनी सराउंडिंग के हिसाब से दिस हैपन्स ओवर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इसको करने में हंड्रेड्स और थाउजेंड्स साल लग जाते हैं उनकी प्रजाति को ऐसे अडेप्ट होते होते दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सूट द सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टन ये पूरा प्रोसेस कि वो अपनी सराउंडिंग के साथ एडजस्ट कर पाएँ अडेप्टन कहलाता है लिविंग थिंग्स दैट आर एबल टू अडेप्टैम सेल्फ लिविंग थिंग्स जो अपने आप को अडाप्ट कर लेती हैं सराउंडिंग के हिसाब से सर्वाइव करने के लिए वो तो ज़िंदा रह जाती हैं लेकिन क्या होता है वो सर्वाइव कर जाती हैं दोज डेट के नॉट अडाप्ट वो मर जाती हैं और जो सर्वाइव नहीं कर पाती वो मर जाती हैं अडाप्टशन टू इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के साथ अडाप्ट हो जाना उसके आदि हो जाना द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड किसी भी एनिमल का नेचुरल होम वो हैबिटेट कहलाता है जैसे कि कैमल का हैबिटेट रेगिस्तान है पोलर बियर का पोलर रीजनस है एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट तो एनिमल्स जहाँ जहाँ रहते हैं उनके हैबिटेट के हिसाब से हम उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं टेरेस्टियल यानी कि ज़मीन पर रहने वाले जानवर ठीक है तो कोई भी है आप बता सकते हो एनिमल्स लाइक हॉर्सेज हो गए लाइन हो गए कैमिकल कैमल हो गए लेव ऑन लैंड की लैंड पर रहते हैं दे आर कॉल्ड टेरेस्टियल एनिमल्स अच्छा एनिमल्स है लेग्स टू मूव इनके पैर होते हैं मूव करने के लिए लंग्स होते हैं इनके ब्रीथ करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो लैंड वाले एनिमल्स होते हैं वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं अब आ जाइए दे है वो वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन इनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होते हैं एंड इनका नर्वस सिस्टम होता है इन ऑर्डर टू सेंस द चेंजेस इन दियर सराउंडिंग इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सेंस कर लेता है कि अपने आसपास की चीज़ों में कैसे बदलाव करना है एनिमल्स लाइक स्नैक ड्यू नॉट हैव लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्नैक के पैर ही नहीं होते दे हैव प्लेट्स या फिर इनकी बॉडी पर स्केल्स बने होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं ऐसे क्रॉलिंग करने में एनिमल्स लाइक पोलर वियर की बात करें या फिर आर्कटिक फॉक्सिस की बात करें लिव करते हैं कोल्ड रीजन्स में बहुत ठंडी ठंडी जगहों पर रहते हैं दे हैव फॉर ऑन देअर बॉडीज़ इनकी बॉडी पर फर होते हैं keep them warm, जो कीम वॉर्म जो इन्हें गर्म रखता है दे हैव अ फैट अंडर द स्किन इनकी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है और जो कि यूज़ किया जाता है एज अ फूड इन विंटर जब ये विंटर में बाहर नहीं निकलते इनके फ़ैट से ही इनकी बॉडी के खाने की पूर्ति हो जाती है द स्किन और डेजर्ट एनिमल्स इज थिक द स्किन ऑफ डेजर्ट एनिमल्स जो डेजर्ट एनिमल हैं इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है एंड नॉट वेरी हीयरी बहुत ज़्यादा उस पर बाल नहीं होते जो चीज़ इन्हें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हीट इट प्रोटेक्ट देम फ्राम द हीट ऑफ द सन से सम एनिमल्स लाइक लेजर्ड्स की बात करो या फ्रॉक्स की बात करो स्लीप करते हैं सो जाते हैं फॉर सेवरल मंथ्स के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सो जाते हैं फ्रॉम दी कोल्ड ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं और बहुत महीनों के लिए सो जाते हैं इसे हम हाइबरनेशन कहते हैं जैसे छिपकरियाँ वगैरह हाइबरनेशन में चली जाती हैं ठीक है फ्रॉक्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं सर्दियों में दिखाई नहीं देंगे आपको ज़्यादा ये ये जाके सो जाते हैं कहीं पर एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं जैसे कि टेरेस्ट्रियल जमीन पर रहते हैं एक्वाटिक पानी में रहते हैं एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि फ़िशस हैं स्नेल्स हैं टर्टल्स हैं या फिर क्रैब्स हैं ये कुछ ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स हैं ठीक है सच एनिमल्स हैव फिन इनके फिन होते हैं और लिम्स होते हैं सूटेड फॉर द स्विमिंग इन वाटर फिनस और लिम्स की वजह से ये आराम से ये स्विमिंग कर पाते हैं द फीट जो होते हैं इनके डक के या फिर पैडल लाइक फ्लिपर्स जो होते हैं टर्टल के वो हेल्प करते हैं उसको पानी को पीछे पुश बैक करने के लिए वाइल्ड स्विमिंग स्विमिंग करते टाइम यहाँ से सब क्वेश्चंस बन के आते हैं कि वैब फीट किसके होते हैं डक के पैडल लाइक फ्लिपर्स किसके होते हैं टर्टल के ठीक है ये किस काम आते हैं पुश बैक वाटर वाइल्ड स्विमिंग ठीक है फिन्स और लिम्स का क्या काम होता है स्विमिंग के ही काम आते हैं ठीक है एनिमल्स के जो कार्टिक एनिमल्स होते हैं फिशज एंड क्रैप्स हैव गिल्स दैट हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर तो ये भी पूछा जाता है कि फिशर कराप जो है वो पानी में सांस कैसे लेते हैं तो वो गिल्स की मदद से सांस लेते हैं बात करते हैं आप एम्फी बियंस की एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड में भी रहते हैं जो और वाटर में भी रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फी बियस सम एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स हैं टूड्स हैं सैलिमेंडर्स हैं या फिर न्यूट्स हैं देव लिम्स दैट हेल्प डैम इन स्विमिंग जो लिम्स की है ये इनके लिम्स होते हैं जैसे हाथ पैर वगैरह को लिम्स बोलते हैं ना फोर लिम्स हाथ होते हैं इन लिम्स पैर होते हैं इनके भी एम्फीबियंस के लिम्स भी होते हैं जिनकी वजह से वो स्विमिंग कर पाते हैं अ मॉइस्ट स्किन हेल्प टू ब्रीथ वाटर इनकी बॉडी मॉइस्ट होती है जो कि इन्हें मदद करती है पानी के अंदर ब्रीथ करने में हाउ फिर भी दे ऑल्सो हैव लंग्स इनकी लंग्स भी होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं लैंड पर ब्रीथ करने के लिए अब इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि एम्फीबियंस किसे कहते हैं सबसे पहले पूछा जाएगा तो जो भी लैंड पे और पानी में दोनों जगह रहते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं कुछ एग्जाम्पल पूछे तो बता देना फ्रॉग्स है टोड्स एलेमेंडर्स एन्य हैं आप पूछे कि लिम्स का क्या काम होता है तो स्विमिंग में मदद करते हैं सांस कैसे लेते हैं मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं जब ये पानी में होते हैं लंग से सांस लेते हैं जब ये लैंड पर होते हैं ठीक है सारे पॉइंट्स बता दिए अब यहाँ पर देखो आगे आते हैं कुछ छूटा तो नहीं है इस पेज पे नहीं चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं एरियल एनिमल्स यानी कि उड़ने वाले एनिमल्स दैट फ्लाई ठीक है जो उड़ते हैं ठीक है ध्यान रखना एरियल मतलब उड़ते हैं वो कहलाते हैं एरियल एनिमल्स दीज आर एनिमल्स हैव विंग्स टू फ्लाई इनके पंख होते हैं उड़ने के लिए मोस्ट बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स कैन फ्लाई उड़ सकती हैं बैट्स चमगादड़ जो होता है आर द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ अ मैमल विच कैन फ्लाई तो बैट्स ही अकेला वो मैमल है मैमल क्या होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं अंडे नहीं देते ठीक है एनिमल्स विच हैव विच फ्लाई हैव अ लाइट बॉडी जो एनिमल्स फ्लाई करते हैं उनकी बॉडी क्योंकि बहुत लाइट होती है बिकॉज ऑफ द लाइट बोन्स एंड फैदर्स क्योंकि उनकी बोन्स बहुत हल्की होती हैं और उनके पंख होते हैं इसलिए वो फ्लाई कर पाते हैं द शेप ऑफ द बॉडी इज सच दैट इट कैन ईजीली कट थ्रू द एयर इनकी शेप ही ऐसी होती है बॉडी की ये हवा को काटते हुए आराम से आगे निकल जाते हैं आरबोरियल एनिमल्स होते हैं सम एनिमल्स स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज तो आर्बोरियल एनिमल वो जो ज्यादातर पेड़ पर पे रहते हैं जैसे कि बंदर ठीक तो है तो मंकीज हैं ट्रिलजर्स हैं फ्लाइंग स्क्वाडियल हैं या अपसन हैं कुछ आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं दे हैव क्लाज एंड ब्रॉड ग्रेडल्स होते हैं इनके जो सपोर्ट करते हैं इनकी बॉडी को जब ये पेड़ पे चढ़ते हैं मंकीज मंकीज लॉन्ग और करली टेल उसको मदद करती है स्विंग करने में ऐसे पेड़ पे ऐसे स्विंग करने में इसकी डाल पर मंकी को ऐसे स्विंग करने में मदद करती है ठीक है उसकी क्या चीज़ मदद करती है मंकी की लॉन्ग और करली टेल ठीक है क्या इसमें मदद करती है स्विंग करने में ब्रांचेस पे ऐसे फुदकता है ना एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ठीक है आ जाओ भाई नेक्स्ट बात करते हैं अडाप्टशन फॉर फूड फूड के लिए अडाप्ट हो जाना एनिमल्स ईट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को दे कैन बी क्लासिफाइड इन फोर ग्रुप्स अगर हम बात करें खाने के हिसाब से तो जानवरों को हम चार कैटेगरी में बांट सकते हैं तो दी टाइप ऑफ द फूड जो वो खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हरबी एनिमल्स कौन से होते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं जैसे कि गाउस गोड्स जिराफ ये केवल प्लांट्स वगैरह खाते हैं दे हैव शार्प बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ काटने वाले टीथ बहुत शार्प होते हैं और चबाने वाले टीथ बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स इनके पैर बहुत लंबे और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस पर किस लिए ट्रैवल करते हैं खाने की तलाश में बात करते हैं अब कार्नीवर्स एनिमल्स की तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्नीवर्स जो जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें हम कारवर्स बोलते हैं जैसे लाइन है जानवरों को मार के खाता है टाइगर है डॉग्स भी कार्नीवर्स हैं ठीक है ये ईट करते हैं फ्लश ऑफ अदर एनिमल्स ठीक है क्योंकि डॉग भी तो कहते हैं दूसरे जानवर का मांस खाता है इसीलिए कार्निवर्स की कैटेगरी में भी आता है दे हैव वेल डेवलप्ड इनकी जो है बहुत अच्छे से डेवलप्ड टीथ होते हैं फ्लश ईटिंग बर्ड्स मांस खाने वाली बर्ड्स जैसे ईगल हैं वल्चर हैं इनकी शार्प बीक होती है इनकी चोंच बहुत शार्प होती है ये एंड क्लॉज पंजे जो होते हैं इनके वो कैच करते हैं एनिमल्स को टू टियर देयर फ्लैश ठीक है उनका मांस फाड़ने के लिए ओमिनीस की बात करें बेटा तो एनिमल्स दैट ईट बोथ जो प्लांट्स भी खाते हैं एनिमल्स भी खाते हैं उन्हें हम ओमिनीस बोलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो बियर्स है क्रोज है काक्रोचेज हैं ही ओमनीवर्स हैं इंसान हम जो ह्यूमन बींग हैं वो भी किस में आते हैं ह्यूमनस भी ओमिनीवोरस क्योंकि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं अब बात करते हैं हम पैरासाइड्स की तो एनिमल्स लिव ऑन इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स फॉर देयर फूड कुछ एनिमल ऐसे होते हैं या तो वो किसी के ऊपर रहते हैं किसी की बॉडी के या फिर किसी बॉडी के अंदर रहते हैं लिव और ऑन और इनसाइड यानी कि या तो बॉडी के ऊपर या तो बॉडी के अंदर रहते हैं ये पैरासाइट्स कहलाते हैं द एनिमल ऑन विच पैरासाइट डिपेंड करता है फूड के लिए वो उसका होस्ट होता है लेट अस सपोज मच्छर हमें काट रहा है तो हम मच्छर के होस्ट हैं क्योंकि वो अपने खाने के लिए हम पर डिपेंड है और मच्छर जो है वो क्योंकि हमें हाँ ही खा रहा है बैठ के वो पैरासाइट है ठीक है द एनिमल्स ऑन विच पैरासाइट डिपेंड करता है फूड के लिए वो उसका होस्ट होता है मॉस्किटोज ठीक है हुक हुकवॉर्म्स बर्गस ये पैरासाइट्स हैं ठीक है या तो ये किसी की बॉडी के ऊपर रहते हैं या तो बॉडी के अंदर रहते हैं और उसी बॉडी से सारा न्यूट्रिशन चूसते हैं दे हैव सकर्स इनकी सकर जैसे स्ट्रॉ होता है ना वैसे ही सकर्स होते हैं और सकिंग ट्यूब्स होती हैं जो ब्लड को सक कर लेते हैं फ्रॉम देयर होस्ट अब बात करें अडेप्टशन फॉर प्रोटेक्शन अपनी प्रोटेक्शन के लिए अडैप्टेशन कैसे होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट दम जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें एंड लिव लॉन्ग इनफ टू रिप्रोड्यूस बहुत ज़्यादा जीए रिप्रोड्यूस करने के लिए लेट लेटेस्ट रीड अबाउट द थ्री मोस्ट कॉमन वेज बाय विच एनिमल्स सेव दम सेल्स फ्राम ईटन अप बाय द अदर एनिमल्स तो चलो तीन तरीके देखते हैं जिससे एनिमल्स जो हैं कि कोई ना खाए उससे वो बचे रहें फिशज़ हाउस फ्लाइज एंड रॉग्स मूव फ़ास्ट करते हैं बहुत तेज़ इन्हा फास्ट कर लेते हैं स्केप कर लेते हैं इस तरह से वो अपने एनिमल से बच जाते हैं एनिमीज शत्रुओं से बच जाते हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ एकदम उड़ जाते हैं या फिर एकदम तेज़ भाग जाते हैं वेल्स हैं एलिफेंट्स एंड हिप्प हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं तो इन्हें कोई और खा ही नहीं पाता इस तरह से ये बच जाते हैं जिब्राज हैं टाइगर्स हैं लेपर्ड्स हैं हैव स्ट्राइप्स इनकी बॉडी पे स्ट्राइप्स या फिर स्पॉट होते हैं जो इन्हें मदद करते हैं मिक्स करने में या मर्ज करने में जिससे मतलब एक तरीके से सराउंडिंग से ये इतने ज़्यादा मर्ज हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता जानवर है या पेड़ पौधा है इसको बोलते हैं कॉम्फ्लिक अब यहाँ पर कॉम्योफ्लिक ठीक है अब यहाँ पर आई होप ये चैप्टर थोड़ा बहुत ही बचा है ठीक है चलो यहाँ देखते हैं इन पोलर रीजन्स अगर हम बात करें आर्किटिक फॉक्स हैव ब्राउन कोड्स और समर में बट ग्रो वाइट फॉर इन विंटर पोलर रीजन्स में क्या होता है आर्किटिक फॉक्स जो होती हैं उनके बॉडी पर ब्राउन कोड्स आ जाते हैं और समर uh, में और वाइट फर आ जाते हैं विंटर में तो दिस कलर मर्ज हो जाता है सराउंडिंग्स से एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्पॉट देम बहुत मुश्किल हो जाता है इनको स्पॉट करना एंड दस इसी वजह से दे कीप दैम सेल्फ सेफ फ्रॉम देयर एनिमल्स वो अपने एनिमी शत्रुओं से बची रहती है इंसेक्ट्स लाइक स्टिक इंसेक्ट्स हो गए लीफ इंसेक्ट हो गए लुक लाइक वॉट देयर नेम सजेस्ट ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे इनका नाम है एंड दैट कीप्स देम सेफ़ ये उनको सेफ रखता है तो यहाँ फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर अब अगली वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ चैप्टर नंबर एट उल्टी बुक बना रही हूँ तो पीछे के सारे चैप्टर बन चुके हैं ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर एट के साथ बाय बाय